अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 36th एपिसोड के साथ। और आज एक इशू है जिस पे मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा हमारे पाकिस्तान के हवाले से, कि हम लोग जैसे अभी ये एक सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक बैन किया है पाकिस्तान ने, और इस तरह पहले भी वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनको बैन करती रहती है गवर्नमेंट। अब मुझे पूरा इल्म तो नहीं है कि किस वजह से ये बैन हुआ है, लेकिन जो एक जनरल तासुर आ रहा है कि जी कंटेंट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है अकॉर्डिंग टू द कल्चरल एंड रिलीजियस मैटर्स। और नो डाउट इसमें मैं बिल्कुल भी किसी को डिफेंड नहीं करूँगा कि यूज़र्स के कंटेंट को, कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल है। लेकिन एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर और इस फील्ड में पिछले कई सालों से होने की वजह से मैं इसको, इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता हूँ। देखें, टेक्नोलॉजी जो है वो बज़ात खुद ख़राब नहीं होती है, उसको उसका यूज़, उसका इस्तेमाल उसको गलत या सही बनाता है। ये अगर हम पूरा पहले टीवी से, रेडियो से भी देख लें, 50 साल पहले जब टीवी आया या रेडियो आया तो उसके बारे में भी इसी किस्म के तासुरात थे, और फिर वो, और अभी भी टीवी का भी और रेडियो का भी और इस तरह की जो दूसरी सर्विसेज हैं उनका गलत और सही इस्तेमाल चला आ रहा है। इसमें कोई ना आप उनको रोक सकते हैं ना उनको सोचा, ये एक ह्यूमन फैक्टर है, एक ह्यूमन बिहेवियर है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब इस तरह तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में लें तो गाड़ी का इस्तेमाल भी आप गलत भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी की, ट्रांसपोर्ट की अफादियत को इनकार नहीं कर सकते कि वो ज़रूरी है, या गाड़ियों को सड़कों पर आने से पाबंदी लगा दी जाएगी क्योंकि उनके जी उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, हमें शऊर बेदार करना होता है, हमें मॉरल स्टैंडर्ड्स इस लेवल पर लाने होते हैं कि जिस पे लोग खुद उस चीज़ का मुस्बत इस्तेमाल शुरू करते हैं। टिकटॉक के हवाले से बात करूँगा, टिकटॉक भी एक इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग टॉप ऐप है जो कि दुनिया भर में चाइना से बनी और पूरी दुनिया में उसने इन्वेट किया, और जिस तरह फेसबुक ने किया, जिस तरह यूट्यूब ने किया, जिस तरह और दूसरी सोशल प्लेटफॉर्म ने किया, लेकिन ये एक वाहिद ऐप है या इसके साथ की और कोई वी चैट और ये इस किस्म की सर्विसेज हैं जो कि चाइना से आई। तो एक फैक्टर जो मैं देखता हूँ जो दुनिया का रिस्पॉन्स है एज के इसकी एक इसको चाइना की प्रोडक्ट के हवाले से भी एक डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में पाया जाता है कि इस वजह से शायद इसको जो भी कंट्री है वो बैन करता है, या इकोनॉमिक फैक्टर के इस वक्त टॉप अर्निंग ऐप्स में से ही आती है और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद आगे बढ़ती जा रही है। और US में ही अगर इसका हम एनुअल रेवन्यू देखें तो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, तो तीसरे चौथे नंबर पे है अभी स्टिल ये। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमेशा से यही चीज़ रही है कि हल यही किया गया कि अगर इस्तेमाल सही नहीं हो रहा तो उसको बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, क्या ऐसी ज़रूरत है कि उसके इस्तेमाल को हम शऊर बेदार कर सकें। देखें, जब आप ह्यूमंस को ये फ्री देते हैं, फ्री हैंड देते हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें द वे दे वांट, और जो उनका अब उन्होंने प्रेजेंट करना है अपने आप को अपने मेंटल कैलिबर के हिसाब से, अब वो आपको कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन एक इंसान है, उसका उसकी उसका रुझान ही किसी तरफ है, जो वो प्रेजेंट करना चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर ही वैसा है जैसा, तो वो वैसे ही दिखेगा और वो वैसी ही हरकतें करेगा। अब वो उसको ये नहीं पता कि उसका जो कंटेंट है वो एज अ होल सब तक जा रहा है और कई को पसंद आएगा और कई को पसंद नहीं आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हर किस्म के कंटेंट का व्यूअर मौजूद है और उसको फैन फॉलोइंग भी मिलेगी, उसको लाइक्स भी मिलेंगे, उसको वो भी मिलेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाया था टिकटॉक का, ये बेसिकली
सिर्फ वीडियो ओरिएंटेड था। फेसबुक में आप टेक्स्चुअल भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वीडियो से भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स से भी कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन फैक्टर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा था आपस में मिंगल अप होने का। इसी तरह यूट्यूब पर बनाया गया, यूट्यूब में सिंपल आपको वीडियो चैनल्स और इस किस्म की तरीके से वो डेवलप की गई। अब इसका जो मेन मकसद था कि शॉर्ट एंड प्रिस्क्राइब्ड वीडियोस जो आप एक मिनट के अंदर अंदर अपना जो आप नज़रिया, अपना जो अपना पैगाम या अपना जो भी प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हो वो आप दे दो। और वो आइडिया हिट हो गया, हिट होना ही था क्योंकि दुनिया में लोगों के पास अब टाइम कम है। ठीक है, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जो कि इस वक्त 5 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो आप बोर हो जाएंगे। इसी तरह जो टीवी पे ड्रामे आते हैं या फिल्में आती हैं, लोगों के पास, किसी के पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो इतने लंबे लंबे एक एक घंटे के 10-10 मिनट के क्लिप्स देखें। वो ये चाहते हैं कि हमें एक मिनट के अंदर जो चीज़ आप बता सकते हैं बताएं और जाएं। ठीक है, अगर हमें अच्छी लगी हम रिपीट कर लेंगे या आपको फॉलो कर लेंगे और आपके कॉन्टेंट देखते रहेंगे। मैं अब 3 घंटे की इंडियन मूवी नहीं देख सकता। ठीक है, हाँ, अगर अभी वही एक्टर सलमान या इमरान अहमद जो भी वहाँ के हैं टॉप एक्टर्स, या पाकिस्तान के जो यहाँ के एक्टर हैं, वो एक मिनट में आके अपनी प्रेजेंटेशन दें, अपना कंटेंट दें, इफ़ दे हैव टैलेंट और मुझे उनकी बात अच्छी लगेगी, दिल को अच्छी लगेगी, मैं उनको फॉलो करता रहूँगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनकी 3-3 घंटे बैठ के फिल्म देखूँ। ठीक है, तो ये एक जनरल बिहेवियर पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है यंगस्टर्स का, कि वो जल्द से जल्द चीज़ सीखना चाहते हैं। अब आप देखें कि जैसे मैं आप मेंटल कैलिबर की बात कर रहा हूँ, अब एक आप बहुत सारे टिकटॉकर्स को देखेंगे जो बहुत अच्छी और बड़ी मियारी कंटेंट भी देते हैं इस पे। और इस पे एक चीज़ मैं आपको अपना बड़ा क्लियर वो बताऊँ कि ये एक जो टिकटॉक ऐप है ना, ये AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस वक्त कंटेंट फिल्टरिंग करती है और प्रोफाइलिंग करती है आपके आपके लाइक्स को और आपके उनको। आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे आपको ये उसी तरह का कंटेंट दिखाती रहेगी। अगर आपने आज इसको इंस्टॉल किया है और ये उसी वक्त आपकी प्रोफाइलिंग स्टार्ट कर देगी। अब आपके पास एक जनरल आपके एरिया का जो भी आपने अपना कंट्री सेलेक्ट किया है या जो भी वो चीज़ की है, उससे उसके मुताबिक जो भी कंटेंट उसके पास रैंडमली अवेलेबल होगा वो आपको थ्रो करना शुरू कर देगी। अब उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या देखना है। अगर आप बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉकर्स को जो महजब हैं, जो अच्छी बात बताते हैं एक मिनट के अंदर और अच्छी अच्छा पैगाम देते हैं, चाहे मजाक में दें चाहे हल्के फुल्के अंदाज में दें, तो वो आपको अच्छा लगता है, आप उसके लाइक करना शुरू कर दें। कोई कोटेशंस आ रही हैं या जो भी आ रहा है आपने लाइक करना शुरू कर दें, आप यकीन करें आपको टिकटॉक उसी तरह का कॉन्टेंट देना शुरू कर देगा। आपकी प्रोफाइलिंग होना शुरू हो जाएगी, आपको उसको पता लगना शुरू कर देगा कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। और अगर आपने दूसरी तरफ, जिसकी हमारे यहाँ शोर में चल रहा है कि जी वल्गैरिटी और ये बिल्कुल है, मैं उससे इंकारी नहीं हूँ, आप उस तरह की चीज़ों को लाइक करना छोड़ दें, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जब उनके लाइक्स नहीं आएंगे, जब उनके फॉलोअर्स नहीं आएंगे, तो फॉलोअर्स भी तो हम लोग हैं ना। अगर एक वल्गर कंटेंट होल्डर टिकटॉकर जो है, अगर उसके 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो कौन है? वो हम हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ क्यों एक बंदे पे हम उंगली उठा देते हैं कि जी ये बंदा जो है गलत कॉन्टेंट दे रहा है या ये कर रहे हैं, तो उसे देख कौन रहा है? देख हम रहे हैं, हम 10-10 मिलियन लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब आप देख रहे हो। आप देखना छोड़ दो, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की खूबी यही है कि अगर उसको लाइक नहीं मिलेंगे, वो 2-3 दिन तक फ्रस्ट्रेट होके ये छोड़ देगा। अभी उसको पता है कि मैं चाहे उल्टा खड़ा हो जाऊं, चाहे मैं सीधा खड़ा हो जाऊं, चाहे मैं जो भी बकवास करूं, मुझे कल शाम तक यहाँ पे जी 1 मिलियन लाइक्स मिल जाने हैं और मुझे ही मिल जाने, तो हम कौन कौन इनकरेज कर रहा है उसको? हम लोग। तो पहले हमें खुद देखना है कि हम आया इस चीज़ को सपोर्ट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। तो ये इसलिए टिकटॉक खुद तो कंटेंट नहीं डेवलप करता, वो उसने तो ये सब कुछ आप पे छोड़ दिया है कि आप। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें आपको बताऊँ, हर बंदे के अंदर ना ये फेम और एक्टर और ये इस तरह की चीज़ बनने का ना एक छोटा सा
एक रुझान ज़रूर होता है हर किसी में, हर कोई चाहता है कि चलो वो थोड़ा बहुत फेमस हो जाए और ये जो हो जाए। अब ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसको उसको पता था कि जी मैं कोई भी हरकत करूँगा तो दुनिया में देखा जाएगा और मुझे लाइक और डिसलाइक मिल जाएंगे। और देखें क्या ऐसा होता नहीं है, मैं देखता हूँ कई चीज़ों को, कई लोगों को, कि उनके जब वो बाजारों में निकलते हैं, जब वो कहीं बाहर निकलते हैं तो हजूम लग जाता है। और ये तो एक हर किसी में ना, एक बचपन और टीन एज के उसमें ये ज़्यादा रुझान होता है कि वो चाहते हैं कि वो मशहूर हों। तो ये एप्लीकेशन एग्जैक्टली वही डिलीवर कर रही है उनको, वो फेमस हो रहे हैं तभी तो वो बाहर निकलते हैं तो दुनिया उनको फॉलो करती है और मिलियन लाइक्स मिल रहे हैं। तो ये इस तरह की ये चीज़ इस वजह से होता है। अब आप देखें बहुत सारे सक्सेसफुल टिकटॉकर्स जिन्होंने एक्टर बनना था या जिन्होंने कोई अपने आप को प्रोमिनेंट करना था एक्टर फील्ड में या मॉडलिंग फील्ड में, तो वो बहुत सारे निकले हैं, इवन पाकिस्तान में बहुत सारे निकले हैं और अब अच्छे एक्टर्स हैं। और फिर जो हमारे रेगुलर एक्टर्स हैं टीवी या फिल्म के, उन्होंने भी इसको अपनाया। अब बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि एक्टर्स और जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो भी बैठे हुए टिकटॉक की बुराई कर रहे होते हैं। कंटेंट के लिहाज से करें ठीक है, शऊर दें कि यार इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये वही प्लेटफॉर्म है, ये उसकी एक बेहतरीन शॉर्टर फॉर्म है जिस पे वो पिछले 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। और ये है कि अगर कुछ टिकटॉकर्स को आप देखें तो वो उतने ही फेम रखते हैं जितना कि एक टीवी एक्टर रखता है। अगर टीवी एक्टर भी किसी मॉल में जाता है तो उसके पीछे भी वही फैन फॉलोइंग होती है जो टिकटॉकर की होती है। ये है, ऐसा है नहीं, वो भी हम लोग ही दे रहे हैं ना उनको, इज्जत दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, या हम पीछे से गाली देते हैं तो वो तो हम मेरा ख्याल है कि हमारी जो रेगुलर मॉडल्स हैं या मॉडल्स हैं टीवी एक्टर्स, उनके पीछे भी बात करते हैं लेकिन फॉलो उन्हीं को करते हैं, तो ये मुनाफ़त है थोड़ी सी। तो इसमें मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा शऊर देना चाहिए और इस उनको डिस्करेज करना चाहिए कि उनका मेंटल कैलिबर इस लेवल का हो कि वो अच्छा अच्छी चीज़ सोच के अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें। अगर हम उनके गंदे कंटेंट पे भी मिलियन लाइक्स देंगे या मिलियन फॉलोअर्स देंगे तो वो तो कामयाब हैं। तो ये चीज़ हमें सोचने की है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि टिकटॉक पे इतने भी हालात ख़राब नहीं है जितने अगर आप कंटेंट सही मायनों में गलत कंटेंट अगर आप ढूंढें तो फेसबुक में बड़ी इजीली मिल जाता है और वो यूट्यूब में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो हम इसका मतलब है कि वो दोनों मीडियम बंद कर दें या ये कि हम उसमें रह के अच्छा कंटेंट को ज़्यादा करना शुरू कर दें, अच्छे लोगों को इनक्रेज करें। मैं खुद बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। मेरे अपने फील्ड की आईटी है मेरा फील्ड, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ जो एक मिनट में आके मुझे कोई आईटी टिप दे जाते हैं या कोई नई ईजाद बता जाते हैं या उसकी चीज़ बता जाते हैं। तो मेरे लिए फ़ायदा है ना कि, और मुझे पता है कि मेरा जो टिकटॉक है वो मुझे उसी तरह का जो कंटेंट है मेरे सामने ला रहा है डेली बेस में जो मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं अगर 5 मिनट तक कुछ वीडियोस को एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे 5 नई चीज़ें पता लगती हैं, बजाय इसके कि मैं डांस देखूँ। डांस वो एक चीज़ डोमिनेट कर गई है ना, ज़्यादातर लोग एक्टर बनना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग मॉडल बनना चाहते हैं, या इस वजह से वो हमें वो इस तरह की अपनी लुक से या अपनी ड्रेसिंग से या अपनी बातों से लोगों को वो करते हैं। तो इट इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट, उसको देने के शऊर देने की ज़रूरत है। जिन ये आम लोगों के घर के बच्चे हैं बच्चियाँ हैं तो मेरा ख्याल अगर घर से चेक शुरू हो जाए ना इन पर, जैसे देखें ना अब टीवी है उसका सोर्स हमें पता है कि जी यहाँ से ये टीवी ये वाला चैनल है तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम अगर मना कर देंगे या गवर्नमेंट की तरफ से उनको लेटर चला जाएगा कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो वो उसको चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सोशल है, लोग हैं, लोगों को पता नहीं है, तो आपका जो सोशल अदारा है जहाँ से चेक हो सकता है दैट इज़ योर होम। तो जो ये जो लोग हैं जो गलत कंटेंट डेवलप करते हैं उनके आसपास के लोगों को उनको कहना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट आर यू डूइंग गुड एंड व्हाट आर यू डूइंग रॉन्गली। तो इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा तो कोई ऐसा नहीं है। चेक हमारे अंदर होना चाहिए और चेक अंदर है हमारे पास, ये बात
मैं जब ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ ना अपनी, तो मैं जब बाद में देखता हूँ तो मुझे खुद पता लग जाता है कि जहाँ कहाँ पे मैंने गलती की, कहाँ पे मेरा मैंने सही एक्सप्लेन नहीं किया, सही कुछ नहीं किया। तो इन लोगों को भी पता लगता होगा, इन कंटेंट डेवलपर्स जो जिन पे एतराज़ात हैं उनको भी ज़रूर पता लगता होगा कि हमने ये चीज़ सही की है, ये चीज़ गलत नहीं की। तो बस ये है कि उनको बताने वाला नहीं है, या उनको कोई पॉजिटिव रिमार्क्स कमेंट्स जाने चाहिए, कोई इस्लाही कमेंट्स जाने चाहिए जिनसे वो अपने आप को बेहतर करें। इट इज़ मीडियम का इस्तेमाल है, अच्छा है बुरा है, आप अगर अच्छे होंगे, अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अगर आपको आप बुरी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको बुरी चीज़ें मिलेंगी। इतनी सी बात है, वो आपको टीवी चैनल्स में भी मिल सकती हैं, वो आपको मूवीज़ में भी मिल सकती हैं, वो ड्रामों में मिल सकती हैं, जिस तरह की चीज़ आप देखना चाहेंगे उस तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। ये कैमरा मेरा हिट गया, तो इतनी ये चीज़। अच्छा, अब हम दूसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं कि बहुत सारे और कंट्रीज हैं जहाँ पे इसको बैन किया गया, जैसे अभी हालिया यूएस है, यूएस ने भी इसको बैन किया है, लेकिन 45 डेज के लिए। लेकिन वो इसलिए नहीं कि इसका कंटेंट अच्छा नहीं है या इसका ये नहीं है, वो इन चीज़ों में नहीं आते। उन्हें ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये द कंटेंट जो है वो लोगों से आ रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर्स, बिजनेस फैक्टर यहाँ पे काउंट करता है कंट्री। ये बहुत बड़ा, इस तरह के सोशल नेटवर्क्स जो हैं बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा जो डेवलप करते हैं इससे इनको एडवर्टीजमेंट मिलता है, जो यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर में ये लोग कमाते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, क्योंकि ऑडियंस बन चुका है, क्योंकि यूजर बेस बन चुका है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं, तो एडवर्टाइजिंग मीडियम है। अब जो वी एआर बेस ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी टिकटॉक ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, वो उससे ये एक बहुत बड़ी टिकटॉक फॉर बिजनेस के लिए ये लॉन्च कर दिया उन्होंने, तो उसमें ये बहुत बड़ा टाइकॉन बनने वाला है, जिसकी पॉलिटिकल रीज़न भी है कि लोग उससे उसको डिस्करेज कर रहे हैं, उसके इकोनॉमिक फैक्टर भी है जिसकी वजह से उसको वो कर रहे हैं। और आपको एक और बात अच्छी बताऊं कि दूसरे मीडियम जो है ना, जैसे कि फेसबुक है या वो भी शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी क्रिएटर्स अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि फेसबुक भी लॉन्च कर दे इसी तरह का प्लेटफॉर्म, और भी बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। आप किस किस को बैन करेंगे? आपको चाहिए कि आप पॉलिसीज डेवलप करें, आप लोगों को शऊर दें, आप अब सोशल मीडिया जैसे हम इखलाकियात पढ़ाते हैं ना, तो हम सोशल जो साइबर वो है सोशलिज्म है, सोशल है सेक्टर है, उसमें उसका भी शऊर देना शुरू करें अपने बच्चों को, अपने जो नए आने वाले बच्चे हैं कि उनको अपने कैसे बिहेव करना है अपने सोशल साइबर सोशल नेटवर्क्स पर। तो ये छोटी सी बातें हैं। तो अमेरिका ने इसको बैन किया है सिर्फ 45 डेज़ के लिए, इस वजह से कि वो चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़ा चंक जो इनकी तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का जो ये उठाला बिजनेस जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि इसमें अमेरिका को भी हिस्सा मिले। इसी तरह दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो इनको बैन कर रहे हैं, तो वो भी यही चाह रहे हैं कि इसका शेयर उनको भी फ़ायदा हो। यही चीज़ हमें भी करनी चाहिए कि इस तरह के तमाम फेसबुक समेत, गूगल समेत, अमेज़ॉन समेत, और ये जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान में लाएं। जैसे अब मैं फेसबुक की मिसाल देता हूँ, तो फेसबुक में हम पाकिस्तान में बैठकर कितने ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स हम पेड एड्स चलाते हैं फेसबुक के ऊपर, तो वो सारा पैसा हमारे पाकिस्तान से बाहर चल जाता है। अगर फेसबुक का प्रॉपर मार्केटिंग ऑफिस पाकिस्तान में होगा, तो हम ये डिमांड कर सकते हैं उससे कि जितने यहाँ से जनरेट होते हैं पैसे, उसमें उसको पाकिस्तान में ही रीइन्वेस्ट किया जाए। यहाँ पर वो अगर आएंगे तो सैलरीज मिलेंगी, ऑफिस बनेंगे, वो करेंगे, तो वो पैसा फिर पोर इन होना शुरू हो जाएगा इस कंट्री में। ये हैं असल वजूहात जिनके ऊपर आपको निगोशिएट करना चाहिए लोगों के ऊपर, के इन कंपनीज के ऊपर, कि वो पाकिस्तान में आएँ।
तो ये है वो असल असल चीज़ें, असल फैक्टर्स जिनके ऊपर गवर्नमेंट्स को इन सोशल नेटवर्क्स के साथ, इन आईटी टाइकॉन्स के साथ बातचीत करनी चाहिए कि भाई अगर आपने, आप इतना बड़ा चंक रेवेन्यूज़ के, प्रॉफिट्स के आप हमारी सोसाइटी से उठा रहे हैं, और इसमें आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी से आपके, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारे लोग आपके, आपके लिए कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, उनकी कंट्री को भी मिलना चाहिए। इस दिन आप देखें, कुछ अर्से पहले आपने गेम बैन कर दी, पबजी, ठीक है, वो भी एक गेम है, उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव वो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का इस्तेमाल उसको बुरा या अच्छा बनाता है, और वो भी आपको कुछ देर के बाद खोलनी पड़ी। तो इस वजह से यही मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये चीज़ें आपको, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखें कि जिस दिन आपने बैन कर दिया इसको नेट से, किसी भी आप टेक्नोलॉजी, आप उसकी आईपी बैन कर देंगे, वो आना शुरू हो जाएगी। क्या आप वीपीएन्स को बैन कर सकते हैं? क्या आप वीपीएन्स को बैन क्यों नहीं करते? आप क्यों ये एक होल देते हैं बीच में जहाँ से लोग जाके वायलेट करें? ये भी तो एक हुकूमत की रेट को चैलेंज करने वाली बात है ना, और आप खुद दावत दे रहे हैं कि भाई हमने ये बैन कर दिया, अब तुम इधर उधर से प्रॉक्सी से, वीपीएन प्रॉक्सी से आगे बेशक इसे यूज़ करते रहो। इसमें चीटिंग चीटिंग नहीं है, तो बेहतर यह है कि आप उनको शोर दे दें कि आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप देते जाएंगे, कहते जाएंगे, कहते जाएंगे, बार बार उनको कहते जाएंगे, आप यकीन जा रहे हैं कुछ अरसे में अच्छा कंटेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और बुरा कंटेंट सिरे से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी भी माशरे में नहीं होगा, ये ह्यूमन सोसाइटी है, और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकी को आप चेंज नहीं कर सकते। वो बुराई का रास्ता और अच्छाई का रास्ता दोनों मौजूद रहेंगे, आपने देखना है कि आपकी तरबियत, आपका बैकग्राउंड, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स दैट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है, और उससे वो अच्छा बुरा कंटेंट हर लोगों को मैसर रहेगा। तो ये कुछ बातें थीं जो मैं शेयर करना चाहता था, और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने अगेन जैसे कहा कि ये इतनी लंबी वीडियो हो गई है, ये कोई भी नहीं देखेगा, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी, अगर मैं ये सारी बातें टिकटॉक के ऊपर किसी 1 मिनट के अंदर ये समझा सकूं, कंटेंट डेवलपर जो लड़के लड़कियां हैं हमारे, उनको भी और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी, तो वो शायद ज़्यादा उन पर असर करेगा। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो मेरी 15 मिनट की, और ये भी वही बात है, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी बुरी लगेगी, कोई मेरे इन थॉट्स के साथ एग्री करेगा और कुछ कहेगा कि नहीं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, तो दोनों रिस्पेक्टफुल हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, अपनी सोच होती है, और हम एज अ टेक्नोलॉजिस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इसमें कोई कसूर नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बहुत अरसे से एडवांस होती जा रही है, और नया आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। और हम क्यों ना अपनी सोसाइटीज़ को इस लेवल पे लेके जाएं कि वो इन चीज़ों को समझ सकें, इन चीज़ों का राइट इस्तेमाल करें, सीखें, और क्यों नहीं इस तरह के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान से क्यों नहीं बनते, चाइना से या इधर उधर से क्यों बनते? कोई इतनी बड़ी ऐप पाकिस्तान से भी बननी चाहिए ना, जो इतना रेवेन्यू ले कर आए और लोग उसको बैन करें अपने अपने मुल्कों में इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो थैंक यू वेरी मच, अगर डिसएग्री हैं तो कोई बात नहीं, यू हैव योर राइट्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।